आपने जब हम चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पे डालना है और छोटा बच्चा है तो आपने दो उंगली के द्वारा या फिर अपने अंगूठे के द्वारा हम उसको चेस्ट को तो क्या हमें सांस सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है और दबाव मात्र आधा से एक इंच इस हजार दबाव आप दाया हाथी ये और उसको ये पंप करता है, ठीक है। तो बंद कर दिया गया, अब केवल एक मिनट में 100 से 120 बार प्रेस करना है, ठीक है। ये इन्हें चिपक लें, चिपक रहेगा। अब करो इसको, उठाना नहीं है। हम चिन को क्यों उठाते हैं, ये गर्दन को क्यों करते हैं? आप अपनी गर्दन ऊपर करके देखो, आपको ऐसे आ गई। अगर आप सीधी रखोगे तो टंग जो है वो श्वास नली के सामने लटका रहेगा और श्वास पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम गर्दन को पीछे की तरफ सीधी रहेगी, बिल्कुल उठ के थोड़ा ना गुड़िया बेटा खींच के लो, खड़ी हो जाए तो घुटनों के बल थोड़ा सा कोनी सीधी रख, दबा जोर जोर से। अगर आप स्पीड बढ़ा, आप कहते हैं अजी इसकी तो पसली मर जाएगा, पसली टूट गई वो जुट जाएगी, तो बिना किसी ये ऐसे प्रेस कर, ठीक है। एक साल का बच्चा होता है उसको हम या तो अंगूठे से या दो क्या हो तरुण हो, तरुण का मतलब है 10-12 साल का हो, तो उसको क्या करते हैं हम, पहले हम क्या कर रहे थे दो हाथों से, अब हम क्या करते हैं एक हाथ को पीछे ले लो और उसी जगह पे अपना स्ट्रोंग हैंड रख के हमने इसको एक हाथ से लगाना, ठीक है। ये सारा है पैम्पलेट और दे। हेलो, मेरा नाम है प्रीति और मैं वैशार्य बीएड कॉलेज की छात्रा हूँ और आज हमारे कॉलेज में हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ के द्वारा CPR का परीक्षण दिया गया, जो कि हमने डमी पे भी प्रैक्टिस करके देखा और हमने ये जाना कि CPR एक इंसान की जान को किस तरीके से बचा सकता है और हमने ये भी जाना कि रेड क्रॉस हर यूथ के लिए क्यों आवश्यकता है और हमें उसे क्यों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम थोड़े से समय के अंदर भी किसी एक इंसान की जान बचा सकते हैं, उसकी मदद करके उसे एक नया जीवन दान दे सकते हैं। तो हमें अवश्य रेड क्रॉस के साथ जुड़ के हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। नमस्कार, नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है, मैं वैशार्य शिक्षण महिला महाविद्यालय की एक छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में भारतीय रेड क्रॉस की एक टीम आई जिन्होंने हमें CPR की ट्रेनिंग दी, उसमें हमें तीन प्रकार की बच्चे की छोटे बच्चे पे हमें CPR कैसे देना है और एक तरुण बच्चे पे कैसे देना है और एक वयस्क पे कैसे CPR देना है उसकी ट्रेनिंग दी। जब भी किसी बच्चे को छोटे बच्चे को CPR की ट्रेनिंग देती है तो हम उसको अंगूठे से देते हैं और जब तरुण 12 साल तक के बच्चे को ट्रेनिंग देती हो तो हम उसका एक हथेली का यूज़ करते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है एक हाथ का, और जब हम वयस्क को देते हैं तो उसके लिए हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होता है और अपने हाथों को सीधा रखना होता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं CPR की ट्रेनिंग से हम किसी की भी मृत्यु होने से बचा सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये जो टीम आई है जयपुर से और चंडीगढ़ से CPR टेक्निक सिखाने के लिए, इन्होंने हमारे महाविद्यालय में वैश पीएड कॉलेज में ट्रेनिंग ली और उसमें सिखाया कि CPR की टेक्निक कैसे की जाती है। डमी पर उन्होंने सारी की सारी ट्रेनिंग दी जिसमें हमारे बच्चे शामिल हुए और स्टाफ भी शामिल हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी आदमी को अगर एकदम से अटैक आता है तो उसको हम वहाँ पर फर्स्ट एड दे सकते हैं, और ये हम इनके बहुत टीम के बहुत आभारी हैं जो चंडीगढ़ से टीम आई है और झज्जर से असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने टेक्निक के बारे में सारा बताया कि कैसे की जाती है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये शायद हम बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। धन्यवाद।